तो ना गाड़ी में क्या दिक्कत हो गई, एक्चुअली जो मेरी गाड़ी का वो खराब हो गया है, तो लग गया मेरे को 14,000 का चूना। भाई मुझे नहीं पता था इतना महंगा ना, मैं अपने भाई की गाड़ी को लेके जा रहा हूँ जिसने दवा में तेरा दीदार लिया। वाह 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 वाह, मेरी माँ एक ही जो विष को भी अमृत बना देती। क्या गुजर रही होगी उस माँ पर जिसने अपना लाल खो दिया। हम बॉनफायर के मजे ले रहे हैं और हमने अभी अपनी छोटी सी कोल्ड ड्रिंक पार्टी भी कर ली है। तो स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नो मैडिक तो सार में। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं दोबारा से नए एक व्लॉग के साथ अपना शुरू कर रहा हूँ दिन। और आज मैं जाने वाला हूँ बहुत प्यारी लोकेशन जिसको मैंने पहले अपने चैनल पे कवर करा था, लेकिन उसको इतना अच्छे से कवर मैं कर नहीं पाया था। तो सोच रहा हूँ कि आप दोबारा से उस लोकेशन पे जाऊँ और आपको दोबारा से लोकेशन दिखाऊँ। तो इसलिए मैं आज जाने वाला हूँ आज एक नाइट कैंपिंग के लिए, और वो लोकेशन आपको पता चल जाएगी आगे जाके किस लोकेशन में मैं जा रहा हूँ। और आज ना मैं अपनी बाइक लेके जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बाइक में भी थोड़ा सा काम कराना बाकी रह गया था। एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं लद्दाख से वापस आया था, लद्दाख से आने के बाद कुछ दिन बाद, मतलब 15-20 दिन बाद, अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई। तो इशू यह रहा कि फ्यूल इंजेक्टर में पानी घुसा हुआ है। लेकिन फिर मैंने मैकेनिक को बोल दिया था कि मैकेनिक बोला था कि सैटरडे को मेरे को टाइम मिल जाएगा तो मैं आ जाऊँगा। तो थोड़ी देर में अभी आने वाला है, और बाइक वैसे मेरी नानी के घर पे खड़ी है, तो वहाँ जाता हूँ उसका, फिर बाइक को बनवाता हूँ, उसके बाद फिर निकलने का प्लान बनाते हैं अपनी आज की लोकेशन की। तो आज जो प्लान रहेगा ना हमारा नाइट कैंपिंग का, वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और लास्ट जो मेरी लद्दाख सीरीज थी ना, लद्दाख सीरीज को भी बहुत सारा प्यार मिलना था जो मिल नहीं पाया। लेकिन आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो, अगर आपने मेरा लद्दाख सीरीज पूरा नहीं देखा तो जाके उसको भी चेकआउट करिए। बहुत सारी लोकेशन और बहुत अच्छे अच्छे हिस्टोरिकल प्लेसेस में मैं गया था, तो वहाँ के मैंने अपने व्लॉग बना रखे हैं, तो जाके उसको चेकआउट करिए। तो मैं चलता हूँ नानी के वहाँ जहाँ मैं अपनी बाइक खड़ी करी है, मैकेनिक आने वाला है, और उसके बाद फिर चल लेंगे हम अपने लोकेशन पे। अभी मैं आ गया था अपने मामा के वहाँ, और यहाँ ना गाड़ी खुलवा दी और गाड़ी बनवा रहे हैं, तो अभी कुछ इसमें दिक्कत आ रही है, अभी इसमें कुछ रिले का दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, अभी चेक करते हैं। एक्चुअली वाली हिमालयन है, उससे भी गाड़ी से निकालना है, वाली हिमालयन से रिले निकाल के बाद चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा क्या दिक्कत। फ्यूल इंजेक्टर भी दिक्कत आ रहा था कि फ्यूल इंजेक्टर का साफ करानी था, एक बार वो भी चेक करा लेंगे और आपका रिले लगा के भी देख लेंगे। तो ना गाड़ी में क्या दिक्कत हो गई, एक्चुअली जो मेरे गाड़ी का फ्यूल इंजेक्टर था ना वो ख़राब हो गया है, तो लग गया मेरे को 14,000 का चूना। भाई मुझे नहीं पता था इतना महंगा इसका फ्यूल इंजेक्टर आता है। तो अभी क्या है, उनको मैंने फ्यूल इंजेक्टर दे दिया है, वो कल क्या करेंगे मुझे नया फ्यूल इंजेक्टर दे देंगे, और उसके बाद फिर तो उसको अपनी गाड़ी में फिट कर दूंगा। तो कल मुझे रॉयल एनफील्ड का नया फ्यूल इंजेक्टर मिल जाएगा हिमालयन के टैंक का, तो कल उसको लगा देंगे, फिट कर देंगे, कल से हमारी गाड़ी चालू हो जाएगी। लेकिन आज ना मैं अपने भाई की गाड़ी को लेके जा रहा हूँ, तो अपने साथ आज की राइड यही रहेगी। तो चलते हैं घर को, पैकेज करते हैं और उसे चलते हैं आगे को। तो मैं तैयार हो गया हूँ और बैग पैक सारा हो गया, मतलब बैग क्या पैक करना था, एक टैंक बैग में अपना सामान रखा हुआ है, और ये मेरा टेंट और ये मेरा मैट्रेस, और एक छोटा सा बैग है जिसमें मैंने अपना पंप वगैरह रखा हुआ है। तो अब रेडी हो गया हूँ, और जो मेरे साथ आने वाले हैं ना वो भी अभी थोड़ी देर में वहाँ पहुँचने वाले लोकेशन पे। एक्चुअली मैं जहाँ मुझे जाना है वहाँ से अभी मैं 86-87 किलोमीटर के आसपास दूर हूँ, तो वो लोग पहुँचने वाले, उनका 35 किलोमीटर बचा हुआ है। मैं यहाँ से निकलता हूँ, 2-2.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाता हूँ, और उसके बाद फिर आज लगाते हैं अपना कैंप वगैरह और करते हैं आज बढ़िया सा कैंपिंग। तो भाई चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको आगे हमारे पहाड़ के खूबसूरत से नज़ारे। तभी तेल वगैरह मैंने भरवा लिया अपनी बाइक में, और उसका तभी यहाँ से निकलते हैं। ज़्यादा मोटो ब्लॉग वगैरह होगा नहीं, क्योंकि ना एक्चुअली मेरा जो गोप्रो है ना वो उसकी माइक की दिक्कत हो रही है, तो अभी मैं अभी गोप्रो तो नया ले नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, और अभी मुझे कोई खर्चा वगैरह करना नहीं है। तो रहेगा सिनेमेटिक शॉट, आगे बढ़ते रहेंगे और आपको जहाँ जहाँ स्टॉप लेंगे वहाँ वहाँ कुछ ना कुछ दिखाते रहेंगे। तो चलते हैं आगे यहाँ से, आगे काठगोदाम वाले रास्ते पर।
तो अभी ना मैं भीमताल से पहले एक जगह लोकेशन है वहाँ रुक गया हूँ, और ये मेरे एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड है पैदल फ्रेंड्स का ये रेस्टोरेंट है जहाँ मैं रुका हुआ है। तो अगर आप छत में जाओगे ना तो आपको छत से यहाँ का हल्द्वानी का बहुत प्यारा व्यू मिल जाता है, लेकिन अभी तो हल्की हल्की धुंध आ रही तो मैंने सोचा कि अभी दिखाने कोई फायदा है नहीं। तो अभी मैंने यहाँ मैगी और चाय वगैरह मंगाई है, चाय और मैगी खा के उसके बाद चलते हैं आगे को। हल्का सा मौसम भी ख़राब हो रहा है क्योंकि बारिश वाला मौसम बना हुआ है। मैं ना एक्चुअली अपना रेनकोट लाना भूल गया था, तो यहाँ से अपने फ्रेंड से अपना उसका रेनकोट ले लूँगा और आगे को बढ़ जाऊँगा क्योंकि आगे बारिश होने के चांसेस रहेंगे। तो मैंने सोचा कि रेनकोट पहन के निकले ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं पता नहीं मेरे माइंड से कैसे स्किप हो गया कि रेनकोट रखना है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भूला तो हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं रेनकोट भूल गया हूँ। और आज ना बहुत प्यारा नाइट गेमिंग होना है, तो चैनल पर बने रहिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो वेट करते हैं अभी मैगी का और चाय का, उसका फिर खाते पीते हैं, चलते हैं आगे को। तो मैगी और चाय वगैरह तो कर ली, अब यहाँ से निकलते हैं। जो साथ वाले थे उनका ही फ़ोन आ गया था कि हम पहुँच गए वहाँ लोकेशन पे, तो जल्दी से निकलते हैं और लगभग लगभग डेढ़ घंटा मुझे लगेगा अभी यहाँ से अपने लोकेशन में पहुँचने में। तो चलते चलते ना मैंने एक और अपना छोटा सा ब्रेक ले लिया है, और लगभग लगभग मैंने अभी तक 50 किलोमीटर के आसपास का अपना रास्ता कवर कर लिया है। तो एक छोटा सा कोल्ड ड्रिंक का ब्रेक मैंने ले लिया था, तो लोकेशन बहुत प्यारी थी और इंस्टाग्राम के लिए भी एक स्टोरी लगानी थी, तो मैंने सोचा कि इधर ही कुछ रुक के फोटो वगैरह ले लेते हैं और साथ में एक छोटा सा कोल्ड ड्रिंक का ब्रेक ले लें। तो चल रहा है एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर चलते हैं आगे को। फाइनली मैं पहुंच गया अपने लोकेशन पे जहां मुझे आज आना था। तो अभी यहीं कहीं पे आसपास में देखते हैं, यहीं पे लोकेशन पे कहीं टेंट लगाने का जुगाड़ होता है तो वहां टेंट वगैरह लगाएंगे। और जो मेरे साथ के दोस्त लोग थे जो आने वाले थे, वो भी थोड़ा एक दो किलोमीटर मुझसे पहले आ रहे हैं, क्योंकि मैं आया हूँ हल्द्वानी से, वो लोग आए हैं आपके बेरीनाग से, तो उनका रास्ता ये वाला है, मेरा रास्ता इधर वाला है। तो अभी हम दोनों यहाँ पे याले पॉइंट में मिल जाएंगे, मतलब हम चारों लोग जो भी आने वाले हैं। तो अभी उनका वेट कर रहा हूँ, 5-10 मिनट में आ जाएंगे। तो यहाँ से उसके बाद हम लोग देखेंगे कहाँ पर कैंप लगाने के लिए जगह सही रहेगी। वैसे तो मुझे इस वाली लोकेशन में, मतलब जो याला लोकेशन है यहाँ पे, इस वाली लोकेशन में लग रहा है कि टेंट लगाना सही रहेगा, लेकिन और भी जगह देख लेंगे जहाँ पर टेंट वगैरह लगा सकते हैं। और चलो वेट करते हैं उनका, आते हैं तो उसके बाद फिर मिलाते हैं आपको मेरे दोस्तों से जो आज मेरे साथ यहाँ कैंपिंग करेंगे। तो अभी पंजी का फ़ोन आया, मतलब जो मेरे फ्रेंड है, तो वो बोल रहे हैं कि एक लोकेशन है जहाँ से हमारा जो कल वाला लोकेशन जहाँ हम कल जाने वाले हैं वो लोकेशन बहुत साफ दिखता है, तो वहाँ पहुँचो और वहाँ से सामने से, मतलब वहाँ कैंप लगाने के लिए बहुत अच्छा एरिया है। तो चलो वहीं चलते हैं, और वो क्योंकि हमारे एरिया से लगभग लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है, और जहाँ मैं अभी हूँ वहाँ से 1 किलोमीटर हुआ, तो चलते हैं वहाँ और मिलते हैं अपने दोस्तों से, और आपको भी मिलाते हैं जो मेरे दोस्त आज मेरे साथ कैंपिंग वगैरह करने वाले हैं। तो आज की जो लोकेशन है हमारी ये वाली है, और खुला मैदान है, तो भाई इसका तो भाई नज़ारा ही कुछ अलग है, और खुले मैदान में टेंट लगाने का मजा ही कुछ और है। तो अब जल्दी से टेंट वगैरह लगाते हैं, और उससे पहले एक दो फोटो वगैरह लेता हूँ जो कि मेरे इंस्टाग्राम में आएगी। तो इंस्टाग्राम का लिंक यहीं कहीं पे नीचे आ रहा होगा, तो जाके उसको फॉलो करिए और जरूर करिए ठीक है। तो अब लगाते हैं टेंट और फिर मिलते हैं आपको टेंट के अंदर। टेंट वगैरह लगा रहे हैं, एक टेंट अभी ये लग रहा है, एक टेंट मैं भी अपना लगाता हूँ। तो गाड़ी की लाइट से अभी हम अपना
सपोर्ट ले रहे हैं क्योंकि हल्का हल्का अंधेरा हो गया और यहाँ ना इतना प्यारा सनसेट बना भी, तो उसकी वीडियो वगैरह मैंने ले ली थी और इंस्टाग्राम में डाल भी दिया। तो अभी लगाते हैं टेंट और फिर मिलता है आपको टेंट के अंदर। हमारा टेंट तो लग गया है, अब इसमें डालते हैं अपना मैट्रेस, जो गद्दा, आरामदायक नींद, जिससे लद्दाख में मैंने अपनी आराम की नींद निकाली थी ना, इतने थके हुए हरा हुआ जब मैं घूम रहा था, उसका जब मैं आराम कर रहा था ना तो अपने मैट्रेस में कर रहा था, तो मैट्रेस लेके आता हूँ और उसको पंप करके लगाते हैं अंदर और उसका डालते हैं इसमें लाइट। तो भाई मेरा कैंप तो रेडी हो गया, इनका अभी दो टेंट और रेडी करना है, तो उसको करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपको आगे। तो यहाँ हमने अपना भी तीन टेंट लगवा दिया और एक कार से लाइट आ रही थी, एक बाइक से मैं अपना लाइट यहाँ लगा रहा हूँ। अभी एक्चुअली क्या हुआ, जो मेरे बाइक जो मेरे लाइट है ना, अंदर जो टॉर्च है उसकी बैटरी ख़त्म हो गई, तो पास में एक दुकान है वहाँ जाके बैटरी वगैरह लेके आते हैं और फिर टेंट के लाइट लगाते हैं। और लकड़ी वगैरह भी लानी है, तो लाइट के बाद बॉनफायर भी करेंगे, तो उसकी लकड़ी भी लेके आनी है और फिर देखिए क्या होता है। गाना गाते हैं, गाना वाना बजाते हैं, बॉनफायर करते हैं, खाना बनाते हैं और आज करते हैं बढ़िया सी कैंपिंग। तो भाई हमने ना अपना कैंप वगैरह लगा दिया और उसके बाद हमने ये बॉनफायर भी लगा दी, तो अब हम बॉनफायर के मजे ले रहे हैं और हमने अभी अपनी छोटी सी कोल्ड ड्रिंक पार्टी भी कर ली है। और अभी हमारे गौरव भाई थोड़ा सा नहीं, गौरव भाई तो वो हैं, हमारे पंकज भाई जो है ना हमारे, अभी वो हमारे ना हमारे जो पंकज भाई है ना, अभी हमको सुनाएंगे प्यारी प्यारी शायरियां। बॉनफायर कितना तेज हो रहा है, तो हमारे हैरी हिल्स, हैरी हिल्स भाई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो कैसा लग रहा है माहौल, कैसा लग रहा है? अल्टीमेट। और दाजू आपको? संतोष दा को अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। इनका भी हम करते हैं मस्ती और आपको सुनाते कुछ प्यारी प्यारी शायरियां पंकज भाई के लफ्जों से और गौरव भाई के लफ्जों से, तो चालू हो जाए। चलो फिर चालू करते हैं। मिस्टर जी, हाँ जी, दैट्स फॉर यू। क्या है बताओ? न जाने कितने समय से चल रहा हूँ। कितने? न जाने कितने समय से चल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी थक नहीं रहा हूँ। हाँ, न जाने कितने समय से चल रहा हूँ, न जाने फिर भी थक नहीं रहा हूँ। बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ। सही बात, बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ, फिर भी हार नहीं रहा हूँ। तो अभी बहुत है कहने को, सुनने को कुछ, लोग तो अभी बहुत हैं कहने को कुछ, सुनने को बहुत कुछ, सुनाने को कुछ, जताने को कुछ कुछ। बस ये लोग हैं जो मिराज हैं रेगिस्तान की, मिराज का मतलब होता है प्रतिबिंब आपका आईना। बस ये लोग हैं जो मिराज हैं रेगिस्तान का, मन का मिराज है, मन का मिराज है, जो सबके साथ रहना भी चाहते हैं। काश छोड़ दें इस तरंग को, हो जाए हवा। चलो शुरुआत खुद से करता हूँ, मुखौटा कहीं दूर रख के खुद से बात करता हूँ, और तुम भी ऐसा ही करना। वाह 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 मिसा जी, और तुम भी ऐसा ही करना, बात दूर रखकर मुखौटा। वाह बस, और तुम भी ऐसे ही बात करना, ये दूर रख के मुखौटा, क्योंकि पहचान अब सबके अपने पास रखता हूँ। वाह तो भाई शायरी इतनी प्यारी थी, गौरव भाई इसके लिए एक लाइक तो बनता है भाई। गौरव भाई माहौल बन गया आज, बस एक मेरी माँ ही, बस एक मेरी माँ ही, रुक जाओ, बस एक मेरी माँ ही जो मुझसे खपा नहीं होती। गौरव भाई सुना दो यार। गौरव यार मैं वो जो मेरे पेज थे वो मैं लाया नहीं हूँ, लेकिन एक शब्द था उस कविता का, मुझे आज अरे मोबाइल में मैंने ये लिखा, सिर्फ एक ही है कि न माखन था मेरे घर में, नहीं दूधो मलाई थी, मगर मैं कृष्ण था माँ का, ये तो अमीर माई थी, मेरी माँ एक ही, मेरी माँ एक ही, जो विष को भी अमृत बना देती। वाह 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 वाह, मेरी माँ एक ही, जो विष को भी अमृत बना देती, वही एक मेरी माई थी, यशोदा की को भी जो उज्ज्वल करा देती। वाह नब्जी देखी और बीमार लिख दिया, आज जी मैं शुक्रगुजार हूँ उस हकीम का, जिसने दवा में तेरा दीदार लिया। वाह 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 वाह, दोस्ते पकोड़े जैसे होते हैं, कुछ दोस्त पकोड़े जैसे होते हैं, अगर ध्यान ना दो तो जलने लगते हैं। ये
तो अभी ना हमारा खाना आ गया, और खाने पे हमारा क्या क्या जरा बता देते हैं आपको। तो ये पनीर और चावल, चावल ये आप, ये रायता सलाद, इसमें क्या है, इसमें ये रोटी, रोटी है, ये मलाई चाप है, इसमें क्या क्या भैया बता दो एक बार। ये कढ़ाई पनीर है, मलाई चाप है, ये वो है मेरे को देना मिक्स वेजिटेबल, विक्स वेज, ये क्या है, ये रायता है, ये तो रायता हो गया, चलिए ठीक है, करेले की सब्जी, करेले की सब्जी तो हम नहीं खाएंगे। तो ये चाप है ना, ये चाप हो गया, और ये रोटी, और ये आपका खुद खा रहे हैं, खुद खा रहे हैं। अब ये दोबारा पका के लेके आ भैया। तो अभी ना अभी हम खाना पीना खाते हैं, उसके बाद ना अपनी करते हैं सोने की तैयारी। तो अगर आपने ना मेरा ये वीडियो पूरा कैंपिंग वाला अगर देख लिया ना, तो क्या करना है, इनका भी आपका भी, आपका भी हमारा भी, हम दोनों का चैनल है, मेरा नोमेडिक तुषार और भाई का है हैरी इन द हिल्स। तो इसको एंडिंग करेगा बच्चों लाला लाला, आइए जो हमारा भाई है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो प्लीज क्या करने का है, क्या करने का है, तो चैनल को लाइक करें, अरे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।